Hello, I'm Seema and welcome to part 24 of the Hindi version of the chapter Organic Chemistry, Some Basic Principles and Techniques. पिछले कुछ वीडियोस से हम लोग फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन मैकेनिज्म को डिस्कस कर रहे थे। इस वीडियो में मैं ऐसा ही एक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट करने वाली हूँ जिसका नाम है इंडक्टिव इफेक्ट। एक कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है? एक कोवेलेंट बॉन्ड तब बनता है जब दो एटम्स एक एक इलेक्ट्रॉन कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं और वो एक एक इलेक्ट्रॉन दोनों आपस में इक्वली शेयर करते हैं, और ये शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो होता है वो उसको हम एक कोवेलेंट बॉन्ड बोलते हैं। एक्चुअली कोई बॉन्ड नहीं होता दो एटम्स के बीच में, लेकिन ये शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी उन दोनों के बीच में है और जो वो शेयर कर रहे हैं जिसके कारण वो दो एक साथ रहते हैं, तो इसलिए उसको हम एक कोवेलेंट बॉन्ड बोलते हैं। एक एग्जाम्पल लो कि ये दो कार्बन एटम्स हैं और दो कार्बन एटम्स दोनों सेम एलिमेंट है, इसलिए दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बिल्कुल सेम है। दोनों इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मतलब कितनी स्ट्रेंथ से, कितनी जोर से वो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचते हैं। दोनों कार्बन है इसलिए दोनों की एनर्जी सेम है। अब इमेजिन करो एक टग ऑफ वॉर में आप क्या करते हो कि रस्सी दोनों तरफ ओपोनेंट्स ने पकड़ी हुई है, लेकिन अगर दोनों ओपोनेंट्स की एनर्जी सेम है तो दोनों रस्सी इक्वल एनर्जी से खींच रहे हैं, तो एनर्जी मतलब जो नॉट है रोप की वो बीच में ही रहेगी। लेकिन अगर एक इन दोनों में से थोड़ा स्ट्रॉन्गर होता है, एक ओपोनेंट, तो लेट अस से कि मैं स्ट्रॉन्गर हूं और मेरा ओपोनेंट वीकर है, तो मैं रोप को थोड़ा अपनी तरफ ज्यादा खींच सकती हूँ, राइट? अगर मैं अपनी तरफ ज्यादा खींच सकती हूँ तो जो बॉन्ड, जो रोप थी या जो सेंटर में वो नॉट था, वो थोड़ा सा इम्बैलेंस्ड हो गया, उस ओपोनेंट से दूर हो गया और मेरे नजदीक हो गया, राइट? ऐसे ही जब कोवेलेंट बॉन्ड दो ऐसे एलिमेंट्स, डिफरेंट एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स के बीच में होता है, तो कोई भी दो एलिमेंट्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम नहीं होती, हमेशा कुछ डिफरेंस होता है। तो अगर कुछ डिफरेंस होता है तो उनमें से एक जरूर ऐसा होगा जिसमें ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, इसका मतलब जो थोड़ा ज्यादा स्ट्रॉन्गली इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच सकता है। तो जब भी किसी मॉलिक्यूल में कोवेलेंट बॉन्ड्स डिफरेंट एलिमेंट्स के बीच में होते हैं तो ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि उनमें से एक इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचता है और दूसरा इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ से पुश करता है इन कंपैरिजन, क्योंकि दोनों में इक्वल स्ट्रेंथ नहीं है इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ पुल करने की। अगर तो इन दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज्यादा नहीं है, अगर इनमें ज्यादा फर्क नहीं है दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज में, जैसे मुझ में और मेरे ओपोनेंट की एनर्जी में बहुत ज्यादा फर्क नहीं है, तो कभी रोप मेरी तरफ होगी कभी उसकी तरफ चली जाएगी नॉट, तो एक बैलेंस क्रिएटेड रहेगा, तो आपको नजर नहीं आएगा। एनर्जी डिफरेंस है लेकिन आपको फिर भी इतना नजर नहीं आएगा वो एनर्जी डिफरेंस। लेकिन अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बहुत ज्यादा है, मैं बहुत स्ट्रांग हूं वो बहुत वीक है, उस केस में तो एकदम से जल्दी से रिजल्ट आ जाएगा कि मैं इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ, मैं रोप को अपनी तरफ खींच लूंगी। आप आर्म रेसलिंग करते हो, अगर आर्म रेसलिंग में आपका ओपोनेंट आपकी इक्वल एनर्जी का है तो वो कॉम्पिटिशन चलता जाता है, लेकिन अगर आपका ओपोनेंट बहुत वीक है और आप आर्म रेसलिंग कर रहे हो तो आप एक सेकेंड में उसको हरा दोगे, उसके आर्म को नीचे झुका दोगे। वही चीज है जब दो एलिमेंट्स एक कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं जिनमें से एक की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज्यादा है और दूसरे की बहुत कम है, ऐसे केस में वो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच लेता है, तोड़ता नहीं है बॉन्ड को, आयन्स नहीं बनते, लेकिन शेयर्ड ही है अभी भी इलेक्ट्रॉन्स, कोवेलेंट बॉन्ड अभी भी है, लेकिन वो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ ज्यादा खींच लेता है। जब वो अपनी तरफ ज्यादा खींच लेता है तो वो पार्शियली नेगेटिवली चार्ज हो जाता है, पार्शियली मतलब थोड़ा सा नेगेटिव चार्ज। पूरा नेगेटिव चार्ज कब होगा? अगर बॉन्ड टूट गया और उसने उसका इलेक्ट्रॉन ले लिया तो वो नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा, लेकिन वो नहीं होता है, वो सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचता है। तो जैसे क्लोरीन है, क्लोरीन कार्बन के मुकाबले बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो क्लोरीन जो है इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच लेता है, क्लोरीन जो है पार्शियली नेगेटिवली चार्ज हो जाता है। जैसे क्लोरीन पार्शियली नेगेटिवली चार्ज हुआ तो कार्बन जिसका अपना इलेक्ट्रॉन था जो क्लोरीन की तरफ चला गया, उसके कारण अब कार्बन को क्या होगा, कार्बन उतना ही पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। अगर ये डेल्टा नेगेटिव हुआ है तो ये उतनी ही क्वांटिटी डेल्टा पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। अब मैंने आपको बोला था कि दोनों कार्बन आपस में तो बिल्कुल इक्वल थी इनकी एनर्जी और इसलिए बिल्कुल बैलेंस्ड बॉन्ड था, लेकिन जैसे ही इस कार्बन ने अपना इलेक्ट्रॉन इससे दूर हो गया और ये कार्बन थोड़ा पॉजिटिवली चार्ज हो गया, तो
तो इस कार्बन के मुकाबले ये नेगेटिव हो गया, क्योंकि ये तो अभी भी उतना ही नेगेटिव था, इससे इलेक्ट्रॉन्स इससे पुश हो गए, तो ये क्या करता है, एलिमेंट्स जो होते हैं ना वो एक दूसरे की बहुत हेल्प करते हैं, अगर चार्ज इम्बैलेंस होता है तो वो इमीडिएटली जाते हैं कि चलो हम तुम्हारी हेल्प करते हैं उस चार्ज को नलिफाई करने में या उसको बैलेंस करने में। तो जैसे ये पॉजिटिव हुआ, इस कार्बन ने बोला कि अच्छा तेरा इलेक्ट्रॉन उसने ले लिया, तो मैं तेरे को, तू मेरा इलेक्ट्रॉन थोड़ा सा ज्यादा ले ले। ये कार्बन इससे इलेक्ट्रॉन थोड़ा सा खींच लेता है, उससे क्या होता है कि ये जो कार्बन है इसके मुकाबले में ये पार्शियल पॉजिटिव चार्ज था, ये भी पार्शियल पॉजिटिव चार्ज हुआ, लेकिन पार्शियल का पार्शियल, पहले से जितना पॉजिटिव चार्ज था उसका भी कुछ हिस्सा, तो इसे हम डबली पार्शियल, पार्शियल ऑफ पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। सो पार्शियल सेकंड प्लेस पे, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज का भी पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, ये भी चार्ज हो गया। अब जब ये पॉजिटिवली चार्ज हो गया तो उसका अगला नेबर जो था उसने भी बोला, अरे तेरे इलेक्ट्रॉन उसने ले लिया तो मेरा ले ले। तो उसकी, अब इन दोनों की स्ट्रेंथ में उतना फर्क था नहीं, तो इसलिए ये इतनी जोर से नहीं खींच पाया जितनी जोर से क्लोरीन खींच पाया था। सिमिलरली इस कार्बन की तो और भी स्ट्रेंथ कम है, क्योंकि ये तो पार्शियल का भी पार्शियल था, और इन दोनों की डिफरेंस और भी कम है, तो ये और भी कम एनर्जी से उसको अपनी तरफ खींचता है। और अगर यहां पर एक और कार्बन होता तो वो एनर्जी, उन दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस इतनी कम होती कि नजर भी नहीं आता, वैनिश हो जाता ये इफेक्ट, आपको नजर ही नहीं आता कि अगले एटम को भी वो पोलराइज कर रहा है। इसका मतलब इस क्लोरीन ने इस बॉन्ड को पोलराइज किया, मतलब पोलराइजेशन का क्या मतलब है कि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस को सेपरेट कर दिया, पोल, दो पोल्स बन गए, पॉजिटिव और नेगेटिव, इसने पोलराइज किया, और इस पोलराइज बॉन्ड के कारण अगला बॉन्ड भी पोलराइज हो गया, और उस पोलराइजेशन के कारण उसका अगला बॉन्ड भी पोलराइज हो गया। तो पोलराइजेशन जो है एक जगह पे हुई जिसने आगे उसको इंड्यूस कर दिया, इंडक्शन क्या होती है कि उसको और क्रिएट कर देना और आगे तक उसको पहुंचा देना, तो उसने उसमें खुद में पोलराइजेशन थी और उसने उसमें पोलराइजेशन पैदा कर दी, इंड्यूस कर दी, और उस पोलराइज बॉन्ड ने आगे वाले बॉन्ड में थोड़ी और पोलराइजेशन और उसमें भी थोड़ी सी पोलराइजेशन इंड्यूस कर दी। इस इफेक्ट को इंडक्टिव इफेक्ट कहते हैं। जब पोलराइजेशन क्रिएट हो जाती है किसी बॉन्ड में और वो पोलराइजेशन सिर्फ उसी बॉन्ड तक न रह के आगे वाले बॉन्ड्स में भी इंड्यूस हो जाती है, उस इफेक्ट को इंडक्टिव इफेक्ट बोलते हैं। अब मैं इसको पढ़ती हूं। पोलराइजेशन ऑफ सिग्मा बॉन्ड, जो फर्स्ट कोवेलेंट बॉन्ड होता है वो एक सिग्मा बॉन्ड होता है, the polarization of sigma bond caused by the polarization of the adjacent sigma bond, ye sigma bond tha, ye bond polarize ho gaya, kyun, kyunki ye wala polarize hua, aur ye bond polarize kyun hua, kyunki ye wala bond polarize ho gaya, to kisi bhi sigma bond ki polarization ho rahi hai, kyun, kyunki usse pehle wale bond ki polarization ho gayi hai, right? So polarization of sigma bond caused by the polarization of the adjacent sigma bond is referred to as inductive effect. Is effect ko hum inductive effect kehte hain. A covalent bond formed between atoms of different electronegativities. Jab ek covalent bond atoms, aise atoms ke beech mein hota hai jinki electronegativities alag alag hoti hain aur kafi alag hoti hain. A covalent bond formed between atoms of different electronegativities leads to polarization. Usse kya hota hai ki wo bond polarize ho jata hai, which induces it in the adjacent bonds. Ki yahan to polarization ho gayi kyunki ye electronegative tha, ye electropositive tha, aur isne polarization agle bonds mein bhi kar di, kyunki ye polarization jo create hui usne further bonds mein bhi polarization ka chance bana diya. अब एग्जाम्पल ये वाला मॉलिक्यूल जो है, दिस इज क्लोरोप्रोपेन, ठीक है, इस क्लोरीन ने, ये तो मैं आपको एग्जाम्पल एक्सप्लेन कर ही चुकी हूं कि क्लोरीन ने इंड्यूस किया, क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचा, इसलिए क्लोरीन पार्शियली नेगेटिवली चार्ज हो गया और ये कार्बन पार्शियली पॉजिटिवली चार्ज हो गया, लेकिन इस, अब ये इसके मुकाबले में नेगेटिव है, हो गया, तो उसने उससे मांगा कि भाई मेरा इलेक्ट्रॉन तो इसने ले लिया तो तुम मेरी हेल्प करो, उसने हेल्प किया तो वो और भी, उसका भी पार्शियल पॉजिटिव चार्ज हो गया, मतलब उसने इंड्यूस कर दिया उसमें भी पोलैरिटी, और इसने फर्दर इसमें इंड्यूस कर दी, और तीन बॉन्ड्स तक ये चलता है, तीन बॉन्ड्स तक इंडक्टिव इफेक्ट नजर आता है,
थ्री बॉन्ड्स के बाद फोर्थ बॉन्ड पे इंडक्टिव इफेक्ट इतना कम हो जाता है कि वो नजर ही नहीं आता. तो फिर हम कहते हैं कि वैनिशिंगली स्मॉल, कि गायब ही हो गया. एक्चुअली होता है इंडक्टिव इफेक्ट, लेकिन वो इतना कम होता है कि वो नोटिस नहीं करते आप. मेजरिंग आप उसे मेजर भी नहीं करोगे क्योंकि उसका असर नहीं होगा कुछ भी मॉलिक्यूल पे या उसके रिएक्शंस पे. तो मॉलिक्यूल को पे वो कोई ज्यादा असर नहीं करता या उसके बिहेवियर पे कोई असर नहीं करता. तो इसलिए हम कहते हैं कि थर्ड बॉन्ड के बाद जो इंडक्टिव इफेक्ट होता है वो वैनिशिंगली स्मॉल, मतलब गायब ऑलमोस्ट हो जाता है. अब इंडक्टिव इफेक्ट जरूरी नहीं है कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप से ही हो. क्लोरीन जो था वो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव था, तो क्लोरीन की टेंडेंसी क्या थी कि इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचे, मतलब क्लोरीन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है कि वो अपनी तरफ खींच रहा है. अगर यहां पे कोई ऐसा ग्रुप होता जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता, जैसे मेटल होता मान लो मैग्नीशियम होता, तो मैग्नीशियम क्या करता, मैग्नीशियम तो मेटल है वो पॉजिटिवली चार्ज हो सकता है, तो वो इलेक्ट्रॉन को अपने से दूर पुश करता. तो अगर वो अपने आप को दूर पुश करता तो वो पॉजिटिव चार्ज हो जाता पार्शियल, और ये कार्बन जो है ये पार्शियली नेगेटिवली चार्ज हो जाता. और फिर अगर ये पार्शियली नेगेटिवली चार्ज हो जाता तो ये कार्बन उसके मुकाबले में पॉजिटिव होता, तो वो अपनी तरफ अपना इलेक्ट्रॉन और आगे पुश करता, तो ये भी पार्शियली नेगेटिव, पार्शियल पार्शियल नेगेटिव चार्ज, पार्शियल ऑफ पार्शियल, और फिर ये वाला जो है डेल्टा 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 नेगेटिव चार्ज हो रहा था. हम डेल्टा साइन किस लिए यूज करते हैं, डेल्टा मतलब स्मॉल अल्फाबेट होता है कि कंप्लीट चार्ज डिफरेंस नहीं है, बिल्कुल छोटा सा चार्ज क्रिएट हो गया, प्रॉपर चार्ज नहीं है. तो अब हम डिवाइड करते हैं इन ग्रुप्स को कि भाई कौन कौन से ग्रुप्स होते हैं ऐसे मॉलिक्यूल्स में ऑर्गेनिक रिएक्शंस में जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग होते हैं. जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग होंगे वो क्या करेंगे, वो पॉजिटिव चार्ज को इंड्यूस करेंगे. इलेक्ट्रॉन्स यहां आ गए और उसके कारण इंडक्टिव इफेक्ट क्या होगा कि वो इंड्यूस किस कौन से चार्ज को कर रहा है, पॉजिटिव चार्ज को. अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होगा तो वो इंड्यूस किस चार्ज को करेगा, नेगेटिव चार्ज को. वो खुद तो पॉजिटिव हो जाएगा और बाकी एटम्स को, बाकी अगले तीन बॉन्ड्स को वो में कौन सा चार्ज इंड्यूस कर देगा, ऑपोजिट वाला. तो एग्जांपल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स कौन से होते हैं, NO2, नाइट्रो, साइनो, साइनाइड, कार्बोक्सिलिक एसिड, एस्टर, एराइलॉक्सी, ये सारे एग्जांपल्स हैं इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स के. ये खुद डेल्टा नेगेटिव चार्ज बना लेंगे और डेल्टा पॉजिटिव, डेल्टा डेल्टा पॉजिटिव, डेल्टा 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 पॉजिटिव क्रिएट कर देंगे अगले कार्बन एटम्स. और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स में कौन से होते हैं, मेथिल ग्रुप और एथिल ग्रुप, CH3 और C2H5 ग्रुप्स जो होते हैं ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स होते हैं. तो अगर ये प्रेजेंट हैं तो इनकी टेंडेंसी क्या होगी, इलेक्ट्रॉन डोनेट कि ये इलेक्ट्रॉन्स को अपने से दूर पुश करेंगे. तो ये कौन सा चार्ज कैरी ओवर करेंगे, इंड्यूस करेंगे, ये खुद तो पॉजिटिव हो जाएंगे और जो इंड्यूस करेंगे वो नेगेटिव चार्ज होगा. अब मैंने आपको पार्ट 23 में बताया था कि हमने कौन से टॉपिक डिस्कस किया था, इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट्स इन कोवेलेंट बॉन्ड्स, जिसमें मैंने आपको बताया था कि अगर कोई भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होती है और एक पोलैरिटी क्रिएट हो जाती है एक मॉलिक्यूल में, तो ये जो पोलैरिटी क्रिएट होती है ये अगर जो एटम है वो मॉलिक्यूल के अंदर ही प्रेजेंट है, तो ये पोलैरिटी जो क्रिएट करेगा या पोलराइजेशन करेगा जो मॉलिक्यूल में, वो परमानेंट पोलराइजेशन होगी. और दूसरा मैंने आपको बताया था कि जब कोई स्पेशी पास से निकलती है, जैसे अटैकिंग ग्रुप आया, तो वो टेम्पररी पोलराइजेशन होती है. तो इंडक्टिव इफेक्ट से आप क्या समझे कि इंडक्टिव इफेक्ट तो मॉलिक्यूल, ये क्लोरीन मॉलिक्यूल के अंदर ही है ना, तो इसका मतलब ये जो इफेक्ट है ये परमानेंट इफेक्ट हुआ या टेम्पररी इफेक्ट हुआ, परमानेंट इफेक्ट हुआ, क्योंकि ये इफेक्ट मॉलिक्यूल के अंदर ही प्रेजेंट किसी स्पीशी के कारण है, जिसका बीच में ही कहीं कोवेलेंट बॉन्ड है वो ऑलरेडी बाउंड है और वो ये अपना असर दिखा रहा है. तो इंडक्टिव इफेक्ट इज अ परमानेंट इफेक्ट, इट इज ड्यू टू एन एटम और अ स्पीशी विच इज प्रेजेंट विद इन द मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल के ही बीच में प्रेजेंट है, और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग एंड इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स मैंने आपको बता दिए. तो ये था इंडक्टिव इफेक्ट. अब हम करते हैं ये दो सॉल्व एग्जांपल्स जो आपके टेक्स्ट बुक में दिए हुए हैं, ताकि आपको ये इंडक्टिव इफेक्ट और अच्छे से समझ में आ जाए. क्वेश्चन है 12.14, व्हिच बॉन्ड इज मोर पोलर इन द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ मॉलिक्यूल्स. अब आपको ये मॉलिक्यूल्स के दो दो पेयर्स दे दिए हैं और हर पेयर में आपको बताना है कि कौन सा बॉन्ड ज्यादा पोलर है. पोलैरिटी कब होगी, हम ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स की बात कर रहे हैं तो कार्बन के साथ बॉन्ड बन रहा है. जो भी दूसरा एटम है जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा तो उसकी कार्बन से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज्यादा होगी.
तो जितना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज्यादा होगी उतनी पोलैरिटी ज्यादा होगी. ठीक है, तो अब हम एग्जांपल्स लेंगे CH3H मतलब मीथेन और CH3Br. इसमें कार्बन हाइड्रोजन से बाउंड है और इसमें कार्बन ब्रोमीन से बाउंड है. ब्रोमीन और हाइड्रोजन के मुकाबले में ब्रोमीन बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है. इसका मतलब कार्बन और हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस इतनी नहीं है जितनी कार्बन और ब्रोमीन की है. इसलिए जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज्यादा होगी वो ज्यादा पोलर होगा. इसका मतलब CH3Br जो है वो ज्यादा पोलर मॉलिक्यूल होगा. CH3NH2 एंड CH3OH, कार्बन नाइट्रोजन एंड कार्बन ऑक्सीजन. तो कार्बन तो सेम है, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो सेम ही है, लेकिन नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज्यादा होगी कार्बन से. तो अगर नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन को लो तो ऑक्सीजन नाइट्रोजन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है. इसका मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन की तो सेम ही थी, नाइट्रोजन की उतनी ज्यादा नहीं है, ऑक्सीजन की ज्यादा है. तो इन दोनों का डिफरेंस ज्यादा होगा, जिसका डिफरेंस ज्यादा होगा वही ज्यादा पोलर होगा. तो इसलिए ये ज्यादा पोलर है. CH3OH एंड CH3SH, अगेन ऑक्सीजन है और सल्फर है, कार्बन तो सेम है दोनों में. ऑक्सीजन और सल्फर के मुकाबले में ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसलिए कार्बन विद OH मतलब CH3OH मॉलिक्यूल जो है ये ज्यादा पोलर होगा. अब आओ आखिरी क्वेश्चन पे, क्वेश्चन 12.15. इन विच कार्बन कार्बन बॉन्ड ऑफ CH3CH2CH2Br द इंडक्टिव इफेक्ट इज एक्सपेक्टेड टू बी द लीस्ट. इनमें से कौन से कार्बन कार्बन बॉन्ड में इंडक्टिव इफेक्ट सबसे कम होगा? आपने देखा कि सबसे ज्यादा पोलैरिटी डेल्टा पॉजिटिव सबसे ज्यादा पॉजिटिव है. डेल्टा डेल्टा मतलब डेल्टा का भी डेल्टा, उस पार्शियल का भी पार्शियल, हिस्से का भी हिस्सा. और ये जो थर्ड है ये हिस्से के हिस्से का हिस्सा. सो पार्ट ऑफ पार्ट ऑफ पार्ट. तो सबसे कम इंडक्टिव इफेक्ट किन दोनों कार्बन्स में होगा? इन दोनों कार्बन्स में. ठीक है, जो जितना कार्बन जितना दूर होगा अल्फा कार्बन से उतना ही कम उसमें इंडक्टिव इफेक्ट होगा. जो जितना नजदीक होगा इसमें इंडक्टिव इफेक्ट ज्यादा होगा क्योंकि ये इस कार्बन के इस पोलर बॉन्ड के नजदीक है. इसलिए इस बॉन्ड में ज्यादा इंडक्टिव इफेक्ट है, अगले बॉन्ड में उससे भी कम इंडक्टिव इफेक्ट है. तो कौन से कार्बन कार्बन बॉन्ड में इंडक्टिव इफेक्ट सबसे कम होगा? इसमें तो ज्यादा होगा, इसमें भी ज्यादा होगा. इन दोनों के बीच में जो बॉन्ड है कार्बन 2 और कार्बन 3, दिस इज कार्बन 1, दिस इज कार्बन 2, दिस इज कार्बन 3. सो कार्बन 2 एंड कार्बन 3 के बीच में जो बॉन्ड है उसमें इंडक्टिव इफेक्ट जो है वो लीस्ट होगा. राइट, तो ये था इंडक्टिव इफेक्ट. अब इसी के साथ मैं आज की वीडियो यहीं पे खत्म करती हूँ. अगर आपको ये यूजफुल लगी तो प्लीज इसे थम्स अप दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स को रेकमेंड कीजिए और बार बार वापस आते रहिए मेरे साथ केमिस्ट्री पढ़ने के लिए. थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय फॉर नाउ.